तो सबसे पहले आपको जो है कि किसान पंजीकरण में मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है DVT एग्रीकल्चर डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। आप जो भी लिखेगा तो आपको जो है कि इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको करना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विवरण संशोधन का। चलिए इसको सबसे पहले ये आ जाता है, तो इसको आपको इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ से प्रोसेस कर देना होता है। प्रोसेस कर दीजिएगा तो आपको जो कि फर्स्ट में होम आ जाएगा, उसके बाद में पंजीकरण है, ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन की स्थिति देखें, विवरण संशोधन। तो विवरण संशोधन में जो भी त्रुटियाँ होगा, गलत होगा, वो आप जो कि यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं किसान पंजीकरण। तो चलिए सबसे नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए विवरण संशोधन किसान पंजीकरण लिखा हुआ है। किसान पंजीकरण में भी संशोधन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट में है पीएम किसान में त्रुटि सुधार पंजीकरण सुधार की जांच। तो चलिए यहाँ पे पंजीकरण जो किसान पंजीकरण है उसको जो है कि यहाँ पे सुधार करना है, यानी मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ओपन जो इंटरफेस होगा वो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है कि ओपन हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, एक जो है कि यहाँ पे डेमोग्राफी प्लस ओटीपी है, और एक जो है कि डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन है, और उसके बाद में एक आयरिस है। तो जो अंधे होते हैं उनको जो है कि यहाँ पे आयरिस के माध्यम से, आँख के माध्यम से किया जाता है। और जो है कि अगर मोबाइल आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे डेमोग्राफी कर सकते हैं, टिक इस पर कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको जो है कि फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो बीच वाला आपको ये चुनना पड़ेगा, डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन। तो चलिए इसको हम चूज कर लेते हैं। चूज जब भी कर लीजिएगा तो अब आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है मंत्रा मॉर्फो जो भी हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद इसमें नीचे आधार नंबर आपको डाल देना है, और नीचे इसमें मोबाइल सॉरी इसमें आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके जस्ट नीचे आधार कार्ड पे जो नेम लिखा होगा वो आपको सही सही डालना होगा, और डालने के बाद में आपको यहाँ से कैप्चर कर देना होता है। चलिए फटाफट इसको फिलअप कर, अब चलिए जब ही यहाँ पे सब कुछ डालिएगा तो उसके बाद में आपको जो कि आपका बायोमेट्रिक मॉर्फो मंत्रा स्टार्टेक सेक्जन जो भी होगा आपको कनेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद में आपको स्टार्ट कैप्चर कर देना है, उस पर कस्टमर का फिंगर लगवा लेना है, या जिनका भी आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं उनका फिंगर लगाना पड़ेगा। चलिए हम कस्टमर से फिंगर लगवा लेते हैं। जब ये फिंगर लगाएगा उसके बाद में जब कैप्चा सक्सेसफुल है तो यहाँ पे राइट साइड में कोने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगर यहाँ पे इरर यानी लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है फिंगर कैप्चर नहीं हुआ। जब यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आया जाएगा तो सक्सेस होगा। तो चलिए इस तरह से जो चलिए इस तरह से ये नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे जो है कि हम OTP के माध्यम से कर लेते हैं, क्योंकि इनके आधार कार्ड में OTP भी रजिस्टर है, मोबाइल नंबर लिंक है। तो अब OTP से करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना होगा, यहाँ पे जो है कि आपको नाम डाल देना होगा। चलिए हम नाम डाल देते हैं, नाम डालिए, आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए आधार कार्ड का नंबर डाल दिए, मोबाइल यहाँ पे नाम डाल दिए, जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सही से ही आपको डाल देना है। डाल देने के बाद में ऑथेंटिकेटेड इस पर कर देना है, जब भी कर दीजिएगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गिर जाएगा। चलिए OTP हमारा चला गया है, अब हम आपको इसमें जो है कि OTP डाल देते हैं। 8616 91 जब भी आप OTP डाल दीजिएगा तो उसके बाद में वैलिडेट OTP करना है, वैलिडेट हम OTP कर दिए। कर देने के बाद में ये जो है कि नेक्स्ट इसका प्रोसेस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मोबाइल संख्या बैंक अकाउंट नंबर सुधार हेतु, यानी इसमें जो है कि आप जो है कि मोबाइल नंबर एवं व्यक्तिगत त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं, और बैंक खाता भी यहां से चेंज कर सकते हैं। लेकिन रहा बहुत से लोगों के साथ परेशानी ये होता है कि उनका जो है कि पंचायत ही बनाते समय कुछ गलत हो जाता है, दूसरा पंचायत सिलेक्ट हो जाता है, तो वो तो यहाँ से सुधार नहीं होगा। अगर उसको भी आप सुधार करवाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जो है कि इससे पिछला वीडियो हमारे चैनल पे डाला गया है कि आप पंचायत सुधार कैसे करवा सकते हैं अपने किसान पंजीकरण में, उस वीडियो को देख के आप जो कि पंचायत सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर पे हम टिक कर देते हैं। जब भी आप टिक कर दीजिएगा तो इसके बाद में नेक्स्ट आपको करना क्या होगा कि नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वॉन्ट एडिट योर नेम एंड फादर्स या हस्बैंड नेम मदर नेम, तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं, एड्रेस में सुधार नहीं करना है, तो नो पे टिकर लगा रहेगा। और इसमें करना चाहते हैं इस सब में नाम वगैरह ये सब, तो आप यहाँ से ये वाला कर सकते हैं। तो चलिए सिर्फ मोबाइल नंबर करना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पे सेक्स जो होता है, सेक्स में आपको जो होगा मेल फीमेल हो कर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, न्यू मोबाइल नंबर जो आप चेंज करना चाहते हैं जो इसमें डालना है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। चलिए हम डाल देते हैं 74।
वो मोबाइल नंबर डाल देना है। डाल देने के बाद में आपको करना है यहाँ से सबमिट। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। जब ही सबमिट कर दीजिएगा तो उस मोबाइल पे एक जो है कि ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जो है कि आपको इसमें डाल देना पड़ता है। चलिए हमारा ओटीपी चला गया है, ओटीपी हम इसमें डाल देते हैं। चलिए ओटीपी डाल दिए, अब इसको यहाँ से वैलिडेट ओटीपी कर देना है। चलिए हम वैलिडेट ओटीपी कर देते हैं। चलिए वैलिडेट ओटीपी कर दिए। अब कर देने के बाद में नेक्स्ट करना क्या है कि यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का। तो अगर ये मोबाइल नंबर जो चेंज करना चाहते हैं, जो अभी डाले हैं अभी इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपडेट कर दीजिए। चलिए हम अपडेट कर देते हैं। जब अपडेट कर दीजिएगा तो कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस जाने के बाद एक यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, योर मोबाइल नंबर एंड योर पर्सनल डिटेल्स रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, इट विल बी अपलोड अपडेट सून विथिन 24 आवर्स। यानी जो है कि आपका मोबाइल नंबर 24 घंटे के अंदर इसमें चेंज हो जाएगा, तो आपको 24 घंटा वेट कर लेना है। जैसे आज के तो कल मॉर्निंग तक हो जाएगा। तो बस इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी किसान पंजीकरण में मोबाइल नंबर किसी भी व्यक्ति का चेंज कर सकते हैं बस 1 से 2 मिनट के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहां से आपको कर देना है ओके। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए थे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।